हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम किसी पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे सिंपल, आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि बोनस शेयर हमारे डीमैट अकाउंट में कब आते हैं। इवन डेट भी हमें मिल जाती है, एग्जिट डेट भी हमें पता चल जाती है, फिर उसके बाद रिकॉर्ड डेट भी पता चल जाती है। इसी तरीके से डिविडेंड के बारे में भी बात करेंगे, इसी तरीके से स्प्लिट शेयर भी होते हैं वो भी। ओके, उन्हीं चीज़ से रिलेटेड बातें करेंगे, कब ये हमारे अकाउंट में क्रेडिट होते हैं। ये एक एक्चुअली क्वेश्चन होता है जो हर एक किसी को नहीं पता होता। और वो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये डेट थी, इस डेट को हमारे पास शेयर नहीं आए, तो उसी से रिलेटेड बातें करेंगे। मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली कब ये शेयर आपके अकाउंट में कब क्रेडिट हो जाते हैं, अगर नहीं होते तो आपको किसको कंप्लेन करनी है, ये भी इसके बारे में भी बात करेंगे। तो आइए वीडियो की तरफ। बट बिफोर दैट आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार, जो आप सभी का चैनल है, इसे एक बार सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी फैमिली ग्रो हो। और हमारी ज़्यादा फैमिली ग्रो होगी तो ऑब्वियसली बात है, हम सबको एक तरीके की नॉलेज मिलेगी और हम एक अच्छी तरीके से साथ साथ में ग्रो हो पाएंगे। तो वीडियो, और अगर नीचे आपका अकाउंट नहीं है डीमैट अकाउंट, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, अगर इस पर क्लिक करेंगे तो आपका फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन हो जाएगा। एंजल ब्रोकिंग के साथ बहुत सारे इसके बेनिफिट हैं। अगर यहाँ पर एक और लिंक है, इस पर क्लिक करेंगे तो श्री राम जी का अयोध्या में मंदिर बन रहा है, आपको पता ही है। तो उस मंदिर को बनाने में आपको पता ही है कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। तो आप अपनी इच्छा अनुसार, ओके, अपनी इच्छा अनुसार जो भी चाहे उसे डोनेट कर सकते हो और एक पुण्य काम में मदद कर सकते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ। तो देखिए, कुछ टाइम पहले एक शेयर था इन्फीबीम, तो इन्फीबीम एक शेयर था और इसका मैंने वीडियो भी बनाया था और बताया था कि ये शेयर स्प्लिट बोनस देने जा रहा है 1:1 का। मीन्स आपके पास अगर एक शेयर है तो 2 शेयर हो जाएंगे, 10 शेयर है तो 20 शेयर हो जाएंगे, 50 शेयर है तो 100 हो जाएंगे, 100 है तो 200 हो जाएंगे। इस तरीके से वो आपको शेयरों को डबल कर देगा और उसके बाद से ये गिरता जा रहा है। और आपने देख भी रहे होंगे, मेरे अकाउंट में भी ये शेयर है, तो आपका जो आपको जो लॉस दिखा रहा होगा वो दिखा रहा होगा 50%, 60%, इस तरीके का आपको लॉस दिखा रहा होगा। बट आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। और क्योंकि अकाउंट में आपके शेयर क्रेडिट भी नहीं हुए, तो इसके क्यों नहीं हुए हैं तो मैं आपको बताने देना चाहता हूँ। इसके ये कब होते हैं वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, और एक लिस्ट और बताता हूँ। देखिए, बोनस शेयर यहाँ पर ये कंपनीज है, ओके, जो कि आपको बोनस दे चुकी है और आगे बोनस देने वाली है। अगर इस तरीके की आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप इसकी तरफ नज़रें बना के रख सकते हैं और उसी हिसाब से अपना कैलकुलेशन करके आपको आगे प्रॉब्लम कभी नहीं होगी, ओके। आज के बाद आपको ये क्वेश्चन किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होगी कि मैंने ये शेयर लिया था, ओके, एक्स डेट से पहले लिया था और फिर भी मेरे अकाउंट में ये क्रेडिट नहीं हुए, तो कब क्रेडिट होंगे तो वो बता देता हूँ। देखिए, इन्फीबीम यहाँ देख सकते हैं, 20 मार्च को रिकॉर्ड डेट थी, 18 मार्च को 17 मार्च को आपको लेना था, एक्स डेट 18 थी, 1:1 का बोनस था। इसके अलावा एक और शेयर है, ओके, ईस्ट वेस्ट होल्डिंग, यहाँ पर आप देख लीजिएगा, 30 को इसकी एक्स डेट है, 31 को इसकी रिकॉर्ड डेट है, 4 शेयर होंगे तो आपको 1 शेयर मिल जाएगा। वी विन एक कंपनी है, ओके, इसकी डेट नहीं आई है, बस 2 अप्रैल को इसकी रिकॉर्ड डेट है। अगर आप लेते हैं तो 1:2 को, मतलब आगे 1 शेयर है तो 2 शेयर में तब्दील हो जाएंगे। और एक और कंपनी है लिबास कंज्यूमर प्रोडक्ट, और लिबास बताना चाहता हूँ सूट की कंपनी है, लेडीज सूट बनाती है, ओके, काफ़ी डिजाइनिंग सूट बनाती है, तो इसकी तरफ ध्यान दे सकते हैं। 5 शेयर है तो 1 शेयर आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। 6 अप्रैल को एक्स डेट है, 7 अप्रैल को इसकी रिकॉर्ड डेट यहाँ पर नज़र आ रही है। अब बात कर लेते हैं कि कौन सा शेयर, तो यहाँ पर देख दिए कुछ न्यूज़ है, मैं आपको बताना देना चाहता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए, वी आर बोनस शेयर्स नॉट इन माई होल्डिंग अकाउंट, ओके, इवन दो द प्राइस ऑफ द स्टॉक हैज़ रिड्यूस, तो प्राइस घटिया है जो कि आपको दिखा रहा है 50% लॉस, 60% लॉस, ओके, बट हमारे अकाउंट में शेयर नहीं आया है। तो क्या होता है, तो देखिए, एक्स डेट से पहले तो पहली बात खरीदना होता है। अगर आपके एक्स डेट दे रखी है, जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए, इसकी अगर बात करें इन्फीबीम की, एक्स डेट थी 18, तो आपको जो भी शेयर खरीदना होगा ना वो 17 तक खरीदना होगा। 18 को अगर आप खरीदेंगे तो वो मान्य नहीं होगा, और 17 को आप खरीदेंगे तो आपको इसका फ़ायदा मिलेगा, बोनस का एज वेल एज डिविडेंड का, एज वेल एज आपको जो भी चीज़, जो भी हमारी एक्टिविटी होती है स्प्लिट वगैरह से रिलेटेड, उन सब का फ़ायदा आपको तभी मिलेगा जब एक्स डेट से पहले की डेट पे आप खरीदेगा। 10 तारीख की डेट है तो 9 तारीख को आपको खरीदना पड़ेगा। सेम कंसेप्ट अप्लाइड ऑन द डिविडेंड एज वेल, ओके, तो डिविडेंड में भी अगर 10 तारीख की डेट है तो आपको 9 तारीख को खरीदना होगा। तो अब बात कर लेते हैं, वैन अ बोनस इज इश्यूड द शेयर प्राइस रिड्यूस बट द फैक्टर बेस्ड ऑन द रेशियो ऑफ ऑन द इशू बट द इन्वेस्टमेंट वैल्यू ऑफ द हेल्ड स्टॉक डजेंट चेंज, ओके, तो वो उसके बारे में बता रहा है। तो देखिए, यहाँ पर सिंपल सा आंसर दे रखा है, यहाँ पर आप देख लीजिए, फॉर बोनस शेयर टू बी क्रेडिट टू योर डीमैट अकाउंट, इट
जनरली टेक्स 15 डेज फ्रॉम द रिकॉर्ड डेट, बट दिस इट डिपेंड्स ऑन द RTA रजिस्ट्रार एंड द शेयर ट्रांसफर. तो देखिए आपको जो कम से कम दिन जो लगेंगे ना, ओके, इट विल जनरली टेक 15 डेज फ्रॉम द रिकॉर्ड डेट. तो यहाँ पर देखिए इन्फीबीम का रिकॉर्ड डेट क्या था, 20 तारीख. तो अगर हम कैलकुलेट करें तो 4th of April, मतलब 4 अप्रैल को आपके अकाउंट में, 4 अप्रैल तक की आपके अकाउंट में आ जाएंगे, या उससे पहले भी आ सकते हैं, ओके, या फिर 4 तक तो आ जाएंगे. तो यू विल रिसीव अ नोटिफिकेशन फ्रॉम द CDSL. और जब आप इस आप कोई ऐसी अगर जब आपने लिया होगा तो बोनस शेयर के बारे में आपको पहले बताया जाएगा, और CDSL से आपको एक मैसेज, एक मेल आएगा, ओके, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा नीचे, कि आपके अकाउंट में, डीमेट अकाउंट में एक कर दिया गया है. यू नीड टू नोट हेयर द बोनस शेयर फर्स्ट गेट क्रेडिट अंडर अ टेम्परेरी SIN एंड विल नॉट बी एडमिटेड टू द ट्रेडिंग इमिजिएटली. ओके, वो ट्रेडिंग के लिए तुरंत अप्लाई नहीं होगा. इट यूजली टेक्स अराउंड 2 to 3 days फॉर द सेम टू मूव फ्रॉम द टेम्परेरी ISN टू द परमानेंट ISIN. तो मतलब आपके अकाउंट में दिखेगा ना वो, तो भी आप यहाँ पर आप देख लीजिए, इस तरीके का एक मेल आएगा. देख लीजिए यहाँ पर किसकी तरफ से आ रहा है, CDSL की तरफ से आ रहा है. जो भी आपका होगा, NHDL होगा या CDSL होगा, वो BSE और NSE से हम किससे खरीदते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है. तो ओके, आपको यहाँ पर दे रखा होगा और इस तरीके से आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा. तो इसके लिए आपको कितने दिन का वेट करना होगा, तो इसके लिए आपको वेट करना होगा रिकॉर्ड डेट से 15 डेज. तो 15 डेज के अंदर अंदर आपके अकाउंट में इस तरीके की बोनस, स्प्लिट से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होती है, डिविडेंड होता है, ओके, एग्जिट से पहले खरीदना होता है, और फिर उसके बाद बोनस शेयर आपके 15 डेज के अंदर अंदर यहाँ पर क्रेडिट होते हैं. तो आज के बाद अगर कोई भी किसी भी तरीके की आपको बोनस शेयर आपके अकाउंट में नहीं आए, तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट वेट पेशेंसली, ओके, क्योंकि ये जो डेट है उस डेट के आपको 15 डेज के अंदर अंदर रिकॉर्ड डेट से मिल जाएगा. इसके अलावा एक कंपनी और थी, वेबअप ग्लोबल, मैंने आपको वीडियो बनाई थी और बताया था कि इसमें स्प्लिट होने जा रहा है, ओके, तो यहाँ पर स्प्लिट हो गया है ये शेयर. आपको कुछ दिनों बाद अभी इसका पोस्टल के थ्रू यहाँ पर लोगों से पूछा जाएगा कि आप अपने शेयर बेचना चाहते हैं कि नहीं, मींस स्प्लिट हम करने जा रहे हैं, तो स्प्लिट करने के लिए आप राज़ी है या नहीं, तो वो सब चीज़ पूछी जाएगी, उसके लिए मेल वगैरह जाएगा. बट रिटेल इन्वेस्टर को कुछ माइंड नहीं रखता, तो जस्ट फॉरगेट इट अबाउट, ओके. तो एक रिकॉर्ड डेट इसकी भी आ जाएगी, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ. फिर उसके बाद यहाँ पर ये शेयर है जो स्प्लिट हो जाएगा, ओके, स्प्लिट होता हुआ हमें सामने नज़र आएगा, किससे, 1:5, मतलब तो आपका जो भी शेयर है ना, ये लगभग 800 रुपये के, अभी जैसे कि यहाँ दिख रहा है 4149, तो ये चार मतलब 1:5 में डिवाइड हो जाएगा, और ये आपको जो शेयर है के पास अगर एक शेयर है तो 5 में तब्दील हो जाएंगे, और यहाँ पर जो प्राइस है वो भी घटता हुआ नज़र आएगा, 800 रुपये के लगभग ये शेयर हमें नज़र आएगा. तो इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है, अच्छा खासी ये कंपनी भी है, तो अगर आपका शेयर का डिवाइड हो जाए तो आपके अकाउंट में क्रेडिट भी हो जाएगा. और यहाँ पर ये शेयर अभी और भागता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, आपको टू बी वेरीफाइंग, अब फॉलो मत करना, बट मुझे जो लगता है जिस तरीके से मैंने स्प्लिट और उन्हें बारीकी से देखा है, अभी ये थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, और जिस दिन न्यूज़ आएगी कि हाँ ठीक है अभी ये इस डेट को हो जाएगा, उस दिन से ये भागना शुरू करेगा, और एक दो दिन भागेगा, फिर उसके बाद नीचे जरूर जाएगा, इस बात को भी याद रखना. सॉरी. तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, और बाकी किसी से ही पूछने की जरूरत नहीं है, अगली बार से 15 डेज आपको लगते हैं, इस बात को याद रखिएगा. बाकी हमारे चैनल बॉस ऑफ फाइनेंशियल बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड तक पहुँचाइए, ताकि इस तरीके की वीडियो मैं आपके पास लाता रहूं, और आपको किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत फ्यूचर में किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो तो आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको रिप्लाई नहीं दूं तो मैं आपको वीडियो जरूर बना के दिखा दूंगा, जैसे कि आज मैंने आपको वीडियो बना दी. सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस.